हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, होली की तैयारियाँ चल रही है। हमारे घर में भी होली आ रही है, तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए चूल्हा जलाया है, तो चूल्हे पर मैंने जितना कुछ बनाया है ना, सब चूल्हे पर ही बना। जो चावल की जलेबी होती है वो बना रहे, और कुछ बनाएंगे हम पापड़। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक भगोने की बना के डाल दी, और दूसरे भगोने में अभी देखिए यहाँ पर वो भी मेरी जो बन चुकी, मतलब चावल बन गए, और यहाँ पर उनकी जो मैं जलेबियाँ बना रही। तब तक यहाँ पर मेरे जो आलू रखवा देती हूँ, जब तक मैं ये जलेबी बनाएंगे ना, तब तक जो हमारे आलू भी उबल जाएंगे, फिर हम आलू के पापड़ बनाएंगे। तो आज देखिए जितना भी हो सकेगा मैं उतना आज मैं सामान बना लूँगी, क्योंकि आज है गुरुवार, तो झाड़ू पोछा नहीं करना था और बाकी का घर का काम करना था। वो तो मैंने सुबह सुबह जल्दी उठ के सब काम कर लिए हैं। सुबह मैं आज बहुत जल्दी उठे थे, वैसे तो मैं उठना चाह रही थी करीबन 4 बजे, लेकिन 4 बजे तो नींद नहीं खुली, 5 बजे खुली। तब जाके फिर भी मैं जो है थोड़ी देर के लिए, मतलब ऐसा लगा उठ जाऊँगी, लेकिन नहीं उठ पाए। फिर जो है सो गए, और फिर उठे मैं 5:30 बजे करीबन, 5:45 बजे तब जाके मैं उठी। फिर मैंने जो है घर के सारे काम किए, और झाड़ू पोछा करके, मतलब झाड़ू निकाला, और क्या बोलते हैं, हाँ, खाना बनाया। खाना बना के बस, मतलब बना के रख ही दिया, और उसके बाद मैं ये सब काम करने में लगी। मैंने कहा ये जल्दी काम मतलब करके रख देती हूँ, और अभी इधर धूप नहीं आई बिल्कुल, मतलब छाई है इधर, तो फिर छाँव में मैं बना लूँगी, और धूप आ जाएगी ना फिर तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, इतनी ज़्यादा फिर गर्मी लगेगी। तो फिर मैंने ना इसीलिए जल्दी जल्दी ये सारे काम किए, खाना बनाया, उसके बाद ये सब जो है मैंने यहाँ पर बना दिए। तो देखिए यहाँ पर है ना आलू के पापड़ भी हमारे कुछ बन चुके हैं, और एक भगोने के अभी मैंने ये आलू बना लिए, और एक भगोने को और भी उबालूंगी और उसके भी पापड़ बनाने हैं। तो दो भगोने के पापड़, दो भगोने के चावल, तो इतना आज मैंने इतना सामान जो है बनाया है। तो पापड़ और भी बनाऊंगी अभी, तो मैं बस ये बना के पहले डाल दूँ, और दूसरे मैंने भगोने में रख दिए उबलने के लिए, वो भी उबलेंगे, तब तक मैं ये वाले जो पापड़ है वो बना लूँगी। तो चलिए पहले ये पापड़ बना लेती हूँ, और फिर मैं दूसरे पापड़ और। और यहाँ पर है ना देखिए, ये मेरे पूरी 1 साल के लिए हो गए आलू के पापड़ हैं और जलेबी हैं, इतना कुछ मैंने जो है बना लिया। अब मुझे 1 साल तक तो कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब बना के रख लेते तो बीच में जब भी मन होता ना तब इसको सेक के खा लो। तो इसलिए मैंने जब बनाया ना तो बहुत, मतलब सब बना लिया है, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बनाऊँगा, लेकिन। और यहाँ पर देखिए मेरे जो ये वाले भी जो पापड़ हैं वो भी बन गए। तो वहाँ तो अब जगह नहीं बची थी, फिर मैंने यहाँ पर जो है कमरे में डाल दिए। तो कमरे में मैंने पंखा चालू कर दिया है, तो मतलब हल्के फुल्के सूखेंगे, और जो मतलब थोड़े से टाइट हो जाए उसके बाद में फिर मैं बाहर डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये वाले मेरे जो है पापड़ सूख रहे हैं, और बस अभी मैं जो है बना के यहीं बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा आप सभी से मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो अभी हालत भी देख सकते हैं, सुबह से लगी हूँ, लेकिन अभी जो है मैंने शायद खाना तो खा लिया था, लेकिन अभी कुछ कर नहीं है, मतलब कि ना कंगी की ना कुछ किया, बस ऐसे ही जो है मैं सुबह सुबह लग गई सारे कामों में। बस यहाँ पर मेरा ये सब काम हो गया, उसके बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर हो गई थी शाम, करीबन 5:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा चलिए घर के काम है वो कर लेती हूँ। तो आज तो जो बर्तन बहुत बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, सुबह के भी जो है खाने के, मतलब सुबह खाना खाया तो वो भी पड़े, और अभी जो मैंने काम किया उसके भी बहुत सारे बर्तन हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो है थोड़ी सी चाय वाय पी लेती हूँ, और फिर जो बचे हुए काम है वो कर लेती हूँ। We'll be right back.
और यहाँ पर देखिए मेरी जो है चाय बन रही है, तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। तो बर्तन तो पहले धो के रख दिए मैंने, बहुत सारे बर्तन थे तो सारे बर्तनों को मैंने धोते रख दिए। और अब हम पहले चाय पी लेते हैं और फिर बनाते हैं शाम का खाना। तो जलेबी के बारे में, मतलब ये पापड़ वगैरह मैं जो है सोच रही थी बनाऊँ बनाऊँ, पर मतलब टाइम हो गया और होली आ गई पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने सोचा कि आज ही मैं जो है जितना बना पाती हूँ उतना जो है आज मैं बना लेती हूँ। और फिर तो 2 दिन बाद तो होली है, फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आज ही जितना बना है, मतलब जितना बन पाया और उतना मैंने आज बना लिया है। तो और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ शाम को, सुबह के थोड़े से चावल रखे तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो है तल के रख देती हूँ, तो ऐसे जो है मतलब खप जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे रखे रहेंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं। तो फिर मैंने इनको जो है तल दिया, और मतलब तल देती हूँ इसमें प्याज हरी मिर्ची ये सब डाल के, ऊपर से जो मसाले हैं घर में वही मसाले डाल देंगे, धनिया मिर्ची नमक ये सब डाल के, और इस तरीके से जो है मैं चावलों को तल देती हूँ। तो जब कभी मतलब सब्जी नहीं होती ना तो इसी तरीके से चावल जो है बना लेती हूँ कभी कभी, तो बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले चावल। तो मेरी बेटी तो उसको इतने पसंद है कि वो मतलब जब चावल नहीं होते ना तो वो फिर बना के उसके बाद में तल के तब खाती है, तो इतने उसको पसंद है, उसको नहीं मतलब घर में सभी को बहुत पसंद है ये वाले चावल। तो इसलिए मैंने है ना शाम को अभी देखिए वही जो चावल रखे थे तल दिए मैंने। और यहाँ पर आ गए थे पति देव, तो जो है वो बाहर से जो एक पेड़ लगा हुआ है पपीते का, तो वो पपीता तोड़ के लाए थे, तो फिर उन्होंने बोला इनको धो के रख दो, तो धूल मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने अभी रख दिया ऐसे ही। और यहाँ पर है ना मैं चावलों को तल देती हूँ, और पपीतों को तो मैं बाद में धुलती रहूँगी। और यहाँ पर जो है मैं चावल तल रही थी, तो फिर मैंने सोचा पहले तल देती हूँ और उसके बाद में फिर बनाती हूँ सब्जी। तो अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, मतलब कि शाम नहीं हुई, देख सकते हैं अभी उजाला है थोड़ा थोड़ा, तो अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। तो फिर मैंने मतलब शाम को खाना जो है मैं जल्दी बनाने लगती हूँ, तो लेट हो जाती फिर ये सब जो आ जाते फिर बोलते अभी तक खाना नहीं बना, तो इसलिए मैंने शाम को जल्दी जो है शुरू कर देती हूँ खाना बनाना। और जब तक ये आ जाते ना आते तब तक मेरा जो है पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है, तो इसलिए मैं ना शाम को इतनी जल्दी अभी जो है खाना बनाने लगी हूँ। और है ना देखिए अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा अंधेरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर है ना थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया था, ये मैंने सब्जी को छौंका था ना इतनी देर के लिए कैमरा बंद कर दिया था, चावल पलट के रख दी दूसरे बर्तन में और यहाँ पर मैंने सब्जी को छौंक दिया, तो हमारी सब्जी भी जो है लगभग बनने वाली है। और इसमें डाल देते हैं नमक और हरी धनिया, तो हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी। बस शाम की थोड़ी सी रोटियाँ बनानी, वो अभी मैं जो है फटाफट से बना लेती हूँ। और चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहले ये सब्जी को देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में बहुत ही अच्छी लगी थी। चलिए